क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, हमें क्या दिया है, y इज इक्वल टू 5√3 cos x − 2। सबसे पहले क्या करना है, ऐसे लिखना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट जब हम करते हैं डायरेक्टली, तो इसे कैसे लिखते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू, अभी ये जो 5√3 cos x − 2, ये जो 3 cos x − 2 है, इससे क्या करना है, इसे आपके माइंड में u एज्यूम करना है, u। तो ये क्या बन जाएगा, 5u, 5√2u। तो इसकी 5√2u की डेरिवेटिव क्या आएगी, 5√3 cos x − 2 इंटू log 5। ये जो 3 cos x − 2 है, इसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बन जाएगा, 5√3 cos x − 2 इंटू log 5 मल्टीप्लाइड में, अभी 3 cos x − 2, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो इसे हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये 3 है, ये 3 कांस्टेंट है, तो इसे हम वैसे के वैसे लिखेंगे। फिर ये जो cos x है, cos x की डेरिवेटिव क्या आएगी, −sin x, −2, 2 की डेरिवेटिव क्या होगी, 0। हम इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, therefore dy by dx will be so this is required answer, required answer।